भारतीय सिनेमा को जिन चंद लोगों ने अपने अभिनय से समृद्ध किया है उनमें दिलीप कुमार का नाम शामिल है। अपने अभिनय से उन्होंने पीढ़ियों का मनोरंजन किया है। भारतीय सिनेमा में उनको ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज फ्लैशबैक में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह जानकर आप दंग रह जाएंगे। दिलीप कुमार ने लंदन में एक चांदी की चम्मच चुराई थी। यह बात है महबूब साहब की फिल्म आन के लंदन प्रीमियर की। यह भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी। आन पहली भारतीय फिल्म थी जिसका विश्वव्यापी प्रदर्शन हुआ था। इसकी सबटाइटलिंग 17 भाषाओं में हुई थी और ये 28 देशों में प्रदर्शित हुई थी। लंदन में फिल्म आन का भव्य प्रीमियर आयोजित किया गया जिसमें महबूब साहब के साथ फिल्म की स्टार कास्ट भी शामिल थी। इस प्रीमियर में उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली के साथ कई अन्य जाने माने लोग भी शामिल थे और प्रीमियर के बाद सभी विशिष्ट मेहमानों के लिए भव्य भोज का भी आयोजन किया गया था। इस भोज में महबूब साहब, दिलीप कुमार और फिल्म के अन्य सदस्य जिसमें मुकरी साहब भी शामिल थे पहुंचे। बड़ी भव्य पार्टी थी, शानदार दावत, एक से बढ़कर एक व्यंजन और सबसे बड़ी बात यह थी कि सब कुछ परोसा चांदी के बर्तनों में जा रहा था। मुकरी साहब का दिल चांदी की कटलरी पर आ गया। उन्होंने खाना खाते हुए सोचा यहां से जाते हुए कोई चीज यादगार के तौर पर साथ ले जाना चाहिए। थोड़ा इधर उधर देखा और चुपचाप एक चांदी का चम्मच उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। चम्मच जेब में डालने के बाद जैसे ही उन्होंने सामने देखा तो देखा दिलीप कुमार उन्हें देख रहे थे। अब साहब, मुकरी साहब को काटो तो खून नहीं, मन में डर बैठ गया। दिलीप जी ने देख लिया है और अब ना जाने वो क्या कहेंगे। मारे डर के अब मुकरी साहब से ना तो वहां से जाते बना, ना बैठते, ना चम्मच रखते बना, ना निकालते। खैर, भोज खत्म हुआ, दिलीप साहब उठे और वहां बैठे लोगों से कहा, आप लोगों ने इंडिया के मैजिक के बारे में तो बहुत सुना होगा, ब्लैक मैजिक, रोप ट्रिक। लोगों ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। दिलीप साहब ने कहा, आज हम आपको भारत की एक नई ट्रिक दिखाएंगे, इसका नाम है स्पून ट्रिक। उन्होंने मेज पर से एक चम्मच उठाया और अपनी जेब में डाल लिया और थोड़ा अभिनय करते हुए बोले, ये चम्मच जो मैंने अपनी जेब में डाला है, अब ये चम्मच वहां दूर बैठे मुकरी साहब की जेब से निकलेगा। मुकरी साहब के तो ये सुनते होश उड़ गए। दो लोग उनके पास आए, उनकी तलाशी लेने लगे। उन्होंने मुकरी साहब की जेब से चम्मच निकालकर लोगों को दिखाया। वहां मौजूद सभी लोगों ने दिलीप साहब के इस कारनामे को देखकर तालियां बजाईं और मुकरी साहब झेप रहे थे कि दिलीप साहब ने उनको पकड़ लिया और अब वो उनको डांट पिलाएंगे। अगले दिन सारी यूनिट को वापस इंडिया आना था। प्लेन में बैठे मुकरी साहब इंतजार कर रहे थे कि कब दिलीप साहब उनको झाड़ लगाएंगे। वो सकुचाते से बैठे थे। दिलीप साहब प्लेन में आए और उनके बगल में बैठ गए। खामोशी से उनकी तरफ देखा, मुस्कराए, बोले, अबे मूर्ख, तूने चम्मच क्यों उठाई? पकड़ा जाता तो क्या इज्जत रह जाती? अगर चम्मच ही चाहिए था तो मुझे बोलता। अपनी जेब से एक चम्मच निकालते हुए बोले, ले रख, मैं तेरे लिए एक चम्मच लाया हूँ। दरअसल ट्रिक दिखाते समय जो चम्मच उन्होंने अपनी जेब में रखा था वो दिलीप साहब मुकरी के लिए ले आए थे। तो जाना आपने कि दिलीप साहब जितने संजीदा दिखते थे स्क्रीन पर, वह वक्त पड़ने पर अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जाने जाते थे। और दिलीप साहब ने अपने मित्र मुकरी के लिए चोरी भी की। अब चलते चलते आपको आन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी शेयर करता हूँ। जैसा कि हमने पहले बताया कि आन देश की पहली टेक्निकलर फिल्म थी, पहली फिल्म थी ये जो 28 देशों में रिलीज की गई। आन की कुल निर्माण लागत 35 लाख रुपए थी जो उस समय की फिल्मों का बजट देखते हुए बहुत ज़्यादा थी। यदि हम आज के हिसाब से देखें तो 30 करोड़ रुपये में ये फिल्म बनी थी। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 2.8 करोड़ का कारोबार किया था। यदि आज के हिसाब से देखें तो लगभग 390 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाए थे। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज के हिसाब से 19 करोड़ रुपए का हुआ था। आज के लिए फ्लैशबैक में इतना ही।